अजी सुनते हो? अब क्या हुआ भाग्यवान? हमें गर्मी लगती है, एसी दिलवा दो। अरे वरना हम खाना नहीं पकाएंगे। रुको रुको, दिलवाते हैं। डैड, अब तुझे क्या हुआ? मुझे बाइक चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। नहीं, अगर भैया को बाइक ले लोगे तो मुझे भी साइकिल चाहिए। रुको, गियर वाली। ठीक है, एक काम करते हैं, आने वाले साल अपने बड़े बेटे की शादी करवा देते हैं, तो दहेज में तुम्हारा एसी भी आ जाएगा, तुम्हारे लिए बाइक क्या मारुति कार भी आ जाएगी। तो पापा पापा मेरी भी शादी करवा दे, दहेज में मेरी भी गियर वाली साइकिल आ जाएगी। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कब मिलेगी आजादी इस दहेज प्रथा से? स्कूल नहीं गई? अरे वो क्या है ना बाबी जी, हमने उसकी स्कूल बंद करवा दी। वैसे वो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर तो बनने नहीं वाली, इसे अच्छा घर में रहेगी तो घर का काम करेगी, फिर ससुराल में जाके मेरा नाम रोशन करेगी। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, कल से मैं भी अपनी बिटिया की स्कूल बंद करवा दूंगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो। दोस्त तीन बीड़ा बना। हेरो बना थे। ओए ओए। ऐसे टुकुर टुकुर काहे देखा थे? अरे कौन है वो? वो दोनों बड़े मुझे वाले दूसरा दिखे दो। अच्छा। ओए ओए कहाँ जा रही है? रुको तो सही। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हमारा देश तो आजाद हो गया है, पर क्या हमारी दो बेटी सोच बदल गई है। कल से हम अपनी बिटिया को स्कूल भेजेंगे और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे। हाँ कल से मैं भी अपनी बिटिया को स्कूल भेजूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमें माफ करो बहन, हम किसी भी पराई औरत को ना बुरी नजर से देखेंगे, उन्हें छेड़ेंगे। हमें माफ करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, खाई है तेरी हिफाजत की कसम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, देखे कितना तेरे दुश्मन में है दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
कसम वंदे।